नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। हमारे देश में फॉलोइंग टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती है। पहला, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट के हैवी रेनफॉल वाले एरियाज यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आसाम के अपर पार्ट्स और तमिलनाडु कोस्ट तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये उन एरियाज में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के साथ एक थोड़े टाइम के लिए ड्राई सीजन पाई जाती है। इन फॉरेस्ट में ट्रीज 60 मीटर या इससे ज्यादा हाइट तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये एरिया साल भर वार्म एंड वेट रहते हैं, इसलिए यहाँ हर तरह का वेजिटेशन, ट्रीज, श्रब्स एंड क्रीपल्स उगती है। और फॉरेस्ट में इनकी मल्टी लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ट्रीज में पतझड़ होने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता, इसलिए ये फॉरेस्ट पूरे साल हरे भरे रहते हैं, यानी कि एवरग्रीन। इन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज में इबोनी, महागुनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन फॉरेस्ट में कॉमनली पाए जाने वाले जानवर एलिफेंट्स, मंकीज, लेमूर एंड डियर हैं। एक सींग वाले गेंडे असम और वेस्ट बंगाल के जंगल में पाए जाते हैं। इससे अतिरिक्त इन जंगलों में कई तरह के बर्ड्स, बैट्स यानी कि चमगादड़, स्लॉथ, स्कॉर्पियन एंड स्नेल यानी कि जो रेंगने वाले एनिमल हैं वो भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये इंडिया में सबसे बड़े एरिया में फैले हुए फॉरेस्ट यानी कि जंगल हैं। इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं और ये उस एरिया में स्प्रेड है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इस प्रकार के फॉरेस्ट में ट्रीज ड्राई सीजन 6 से 8 वीक के लिए अपनी लीव्स गिरा देते हैं। अवेबिलिटी ऑफ वाटर के आधार पर इन जंगलों को मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट में डिवाइड किया जाता है। इनमें से मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिड्यूस फॉरेस्ट उन एरिया में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इसलिए ऐसे जंगल देश के ईस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालया की फूट हिल्स एरिया, झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लॉप्स में पाए जाते हैं। टिक इन जंगलों की सबसे मेन स्पीसीज यानी कि प्रजाति है, एक वुड का नाम है। बैम्बूज, साल, सीसम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मुलबेरी के पेड़ कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट उन एरिया में पाए जाते हैं जहां बारिश 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये जंगल पेनिनसुलर प्लेटूज के ऐसे बारिश वाले एरिया जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। ओपन स्ट्रेचेस में टिक, साल, पीपल, नीम के ट्रीज उगते हैं। इन एरियाज के बहुत बड़े पार्ट कल्टीवेशन के काम में प्रयोग करने के लिए साफ कर लिए गए हैं और कुछ पार्ट्स में ग्रेजिंग भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट है। ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एंड टॉर्टोइज भी यहां पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। जिन एरिया में 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां नेचुरल वेजिटेशन में थॉर्नी ट्रीज एंड बशीज यानी कि झाड़ियां पाई जाती हैं। इस तरह की वेजिटेशन देश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सेमी एरिड एरिया है। अकासिया, पाम यानी कि खजूर, यूफोर्बिया, ओग, नागफनी यानी कि कैक्टी,
यहाँ की मेन प्लांट स्पीसीज है। इन जंगलों के ट्रीज बिखरे हुए होते हैं, स्कैटर, जिनकी रूट्स लंबी और पानी की तलाश में चारों ओर फैली हुई होती है। पत्तियां यानी कि लीव्स मोस्टली छोटी होती है, जिनसे मिनिमाइज यानी कि मिनिमम इवेपोरेशन हो सके। एरिड एरिया में झाड़ियां और थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन जंगलों में चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेनियस एरिया में टेम्परेचर की कमी और ऊंचाई के साथ साथ नेचुरल वेजिटेशन में भी अंतर दिखाई देता है। वेजिटेशन में जिस तरह का चेंज हम ट्रॉपिकल रीजन में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का चेंज माउंटेनियस रीजन में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरिया में वेट टेम्परेचर टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें ब्रॉड लीफ ट्रीज, ओक तथा चेस्टनट जैसे ट्रीज की मेजोरिटी होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच कॉनिफेरस यानी कि शंकुधारी ट्रीज जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर एटसेट्रा पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट मोस्टली हिमालय की साउथर्न स्लॉप्स, साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ज्यादा ऊंचाई वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर मोस्टली टेम्परेट ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर टेम्परेट फॉरेस्ट और घास के मैदानों का स्थान यानी कि जगह अल्पाइन वेजिटेशन ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च इन फॉरेस्ट के कॉमन ट्रीज हैं। जैसे जैसे स्नो लाइन के नजदीक पहुंचते हैं, इन ट्रीज के आकार छोटे होते जाते हैं। दो झाड़ियों के रूप के बाद वो अल्पाइन घास के मैदानों में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसका उपयोग गुर्जर्स और बकरवाल्स जैसी नोमैडिक ट्राइब्स द्वारा ग्रेजिंग के लिए किया जाता है। इसका हमने चैप्टर 4 में देखा था हिस्ट्री में। ज्यादा ऊंचाई वाले भागों में मॉसिस एक घास है, लीचन घास है, टुंड्रा वेजिटेशन का एक भाग है। इन फॉरेस्ट में कश्मीरी स्टैग यानी कि एक बहुत बड़ा सा जैसे मृग, एक डियर जैसा, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिबेटियन एंटलॉप यानी कि बारासिंगा, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शेगीहॉर्न, वाइल्ड एबेक्स, बियर एंड कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली शिप्स एंड गोट्स भी पाई जाती है। मैनग्रोव फॉरेस्ट टाइडल फॉरेस्ट टाइडल एरिया में जहां मड एंड शिल्ट इन एरिया पर एकत्रित हो जाती है, मिल जाती है। घने मैनग्रोव एक तरह की वनस्पति है जिससे प्लांट की जो रूट्स है वो पानी में डूबी रहती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा के भाग में ये वेजिटेशन देखने को मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं जिनसे हार्ड टिम्बर मिलती है। कोकोनट, केओरा, अगर के ट्रीज भी इन पार्ट में पाए जाते हैं। इस एरिया का रॉयल बंगाल टाइगर फेमस एनिमल है। इसके अतिरिक्त टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल और एक तरह के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। लेट अस डिस्कस, अगर प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ सरफेस से डिसअपियर हो जाए तो क्या इंसान इस सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा? बायोडाइवर्सिटी क्या नेसेसरी है और उसको कंजर्व करना क्यों जरूरी है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ। फ्लोरा के जैसे ही इंडिया में तरह तरह की फौना यानी कि प्राणी संपत्ति में भी इंडिया बहुत रिच है।
यहाँ एनिमल की 90,000 90,000 स्पीसीज है। देश के 2,000 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। ये वर्ल्ड्स टोटल का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 स्पीसीज हैं, जो वर्ल्ड की लगभग 12% है। भारत में वर्ल्ड के 5 से 8% तक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मम्बल्स भी पाए जाते हैं।